नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है इन फिगर 6.36, दिस इज द फिगर 6.36। इसमें लिखा है रेशियो ऑफ क्यू आर टू क्यू एस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ क्यू टी टू पी आर। ये हमें दिया हुआ है एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। शो दैट ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। नाउ इस फिगर में हम देखें, पहले हम ट्रायंगल देंगे PQR, हम ये ट्रायंगल लेंगे PQR, नॉट PQS, इट इज PQR। नाउ इन ट्रायंगल PQR, इस ट्राइंगल में क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये मैं पहले दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें दिस इज गिवन। नाउ वी नो दैट साइड्स ऑफ ऑपोजिट इक्वल एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स दे आर ऑलवेज इक्वल। नाउ दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो देयरफॉर इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, पी आर, और इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, दिस इज पी क्यू, देयरफॉर पी आर विल बी इक्वल टू पी क्यू। वी कैन से पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, वाई, बिकॉज साइड्स ऑपोजिट साइड्स, दिस इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इन ए ट्राइंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इन ए ट्राइंगल आर इक्वल, बिकॉज दे आर इक्वल, देयरफॉर पी, दिस इज पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमारा हो गया है। नाउ हमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ क्यू आर टू क्यू एस, रेशियो ऑफ क्यू आर टू क्यू एस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ क्यू टी टू पी आर, रेशियो ऑफ क्यू टी टू पी आर, ये हमें पहले दिया हुआ है। नाउ हम इसको लिख सकते हैं क्यू आर, रेशियो ऑफ क्यू आर टू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी टू पी क्यू, बिकॉज जो हमने पी आर है, ये हमें पी आर की जगह हमने पी क्यू लिख दिया है, बिकॉज ये हमने ऊपर प्रूफ किया है, बिकॉज पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमने ऊपर प्रूफ किया है यहाँ पर। सो नाउ हम देखें इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल लेंगे पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, दिस इज पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, एंगल पी क्यू एस, जो पी क्यू एस ट्राइंगल है इसमें हमारा एंगल हो गया पी क्यू एस दिस एंगल, और टी क्यू आर ट्राइंगल में टी क्यू आर एंगल हो गया इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, ये हमारा इक्वल हो गया बिकॉज दिस इज कॉमन एंगल, सी ओ डबल एम ओ एन, दिस इज कॉमन एंगल इन बोथ द ट्राइंगल्स पी क्यू एस, दिस एंगल इज इस ट्राइंगल पी क्यू एस में, दिस एंगल इज दिस कॉमन एंड टी क्यू आर में भी ये एंगल कॉमन हो गया, एंड रेशियो ऑफ क्यू आर टू क्यू एस, रेशियो ऑफ क्यू आर टू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी टू पी क्यू, ये हमने प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर ही प्रूव कर दिया इसको, क्यू आर टू क्यू एस इज इक्वल टू रेशियो टू क्यू टी टू पी क्यू, क्यू आर, दिस इज क्यू आर टू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी टू पी क्यू, ओके। नाउ एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू टी क्यू आर, सो बाय एस ए एस रूल दो साइड जो हमारी हैं वो इक्वल रेशियो में आ गई हैं, और एंड द साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडिंग दीज साइड्स दिस इज ऑल्सो कॉमन इक्वल हो गया है, सो बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू एस सॉरी इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय एस ए एस रूल, एस ए एस रूल क्या है, टू साइड्स एंड वन एंगल, दो साइड्स हमारी इक्वल रेशियो में आ गई है और एक एंगल जो है हमारा वो कॉमन हो गया, दैट इज इक्वल, सो बाय एस ए एस रूल वन एंगल इक्वल हो गया है एंड टू साइड्स एंड साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल, इस एंगल के इंक्लूडिंग जो दो साइड्स हैं वो हमारी रेशियो में आ गई हैं,
Therefore, triangle PQS is similar to triangle TQR. Hence, proved. Thanks for watching.